अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपके सामने है शाविज़ मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रिसाले नबी। सबसे पहले दोस्तों आपसे एक गुजारिश, दिली गुजारिश है, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नए देखने वाले भी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, आपके पास से कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन बस मेरे लिए थोड़ी आसानी ये हो जाएगी कि मुझे जो एक एक करके वीडियो जो आप लोगों को सेंड करनी पड़ती है वो सेंड नहीं करनी पड़ेंगी, और आपको वीडियो जैसे ही मेरी वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो प्लीज़ आपसे सब्सक्राइबर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ये एक दिली गुजारिश है। अब आते हैं दोस्तों अपने वीडियो पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमने लास्ट जो वीडियो पोस्ट किया था वो रमज़ान के ऊपर था कि रमज़ान कब और क्यों फ़र्ज़ किए गए। तो जैसा कि मैंने बताया कि 2 हिजरी में रोज़े हर मोमिन पर फ़र्ज़ किए गए, और अल्लाह का जो मकसद है अपने बंदों पर रोज़े फ़र्ज़ करने का वो ये है कि 30 दिन के रोज़े रखकर 30 दिन तक कंटिन्यू बंदा रोज़े से रह करके इबादत करके सब्र करने वाला, शुक्र करने वाला और परहेजगारी बन जाता है। और ये सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं है, ये सारी ज़िंदगी के लिए है कि वो अपनी सारी ज़िंदगी में इन बातों को इख्तियार कर ले कि वो सब्र वाला हो, साबिर बन जाए और शुक्रगुजार हो, अल्लाह का हर हाल में शुक्र करता रहे और नमाजी और परहेजगार बन जाए। और जो इस महीने की जो फजीलत है वो भी मैंने आपको बताई, और फिर इस महीने की जो फजीलत के बारे में नबी अकरम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 1894, के इस महीने की जो इबादत है उसका जो सवाब है वो 10 गुना से 700 गुना तक मिल सकता है। और आगे फरमाते हैं इस महीने की फजीलत के बारे में, आगे फरमाते हैं मुस्लिम की, सही मुस्लिम की हदीस का मफहूम है, हदीस नंबर 1891, कि इस महीने की जो सच्ची इबादत करता है, जो तरीक़ों पे, सही तरीक़ों पे सच्चे परहेजगार होकर जो इबादत करता है वो जन्नत में जाता है, जन्नती बन जाता है। और आगे नबी अकरम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम की हदीस का मफहूम है, हदीस नंबर 1899, कि इस महीने में रहमत के दरवाज़े खुल जाते हैं, दोज़ख के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। ये इस महीने की हकीकत है और इस महीने की फजीलत है। अब दोस्तों आते हैं, जैसा कि आप जानते हैं रमज़ान 30 दिन के रोज़े हैं और इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला है, एक पहला अशरा, दूसरा अशरा और तीसरा अशरा। पहला अशरा जो है वो 1 रमज़ान से 10 रमज़ान तक है, और इसको हम रहमतों वाला महीना कहते हैं। इस महीने में रोज़दार के ऊपर अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, अल्लाह की रहमतें आती हैं। दूसरा जो अशरा है वो है 11 रमज़ान से लेकर के 20 रमज़ान तक। ये मग़फ़िरत का है, तौबा का महीना है। इसमें बंदा को गुनाहों से तौबा मिल सकती है, तौबा कंटिन्यू अगर करेगा और इबादत करेगा तो अल्लाह की तौबा मिल सकती है। और जो सबसे ख़ास और अहम जो अशरा है वो है 21 रमज़ान से लास्ट रमज़ान तक, यानी आखिरी अशरा, रमज़ान का आखिरी अशरा है। और इसके बारे में नबी अकरम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 2017, कि ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास और अहम अशरा है। क्यों? क्योंकि इस अशरे की रातों में, इन 10 रातों में से एक रात शब कद्र हो सकती है। और अब जैसा कि आप जानते हैं कि शब कद्र हमारे यहाँ हम लोग जो है वो 27वीं शब को समझते हैं, 27वीं रात को समझते हैं कि 27वीं रात को शब होती है, लेकिन जो इसका सही मकसद, जो सही टाइम है वो 5 रातों में घूमती है। अल्लाह ने जो 5 दिन मुकर्रर किए हैं वो लास्ट अशरे में 5 रातें कोई सी भी हो सकती हैं, उसमें शब कद्र हो सकती है। वो 5 रातें कौन सी हैं? वो 21वीं शब, 23वीं, 25, 27 और 29। 10 रोज़ों की ऑड रातें जो हैं, 21, 23, 25, 27, 29, ये 5 रातों में शब कद्र घूमती है। इनमें से किसी भी दिन शब कद्र हो सकती है। तो दोस्तों, और इस शब कद्र की जो अहमियत है, जो फजीलत है, वो नबी अकरम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, रिवायत है इब्ने माजा से, हदीस नंबर 1341, कि इस एक रात की जो एक रात है वो 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है। जिसने इस रात को पा लिया उसने, उसकी बख्शिश भी तय हो गई कि उसने सारी कायनात को पा लिया, और जिसने इसको खो दिया वो बदनसीब ही होगा जिसने इस रहमत को खो दिया। तो ये फजीलत है इस रात की। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, अभी से तैयारी कीजिए। और ये जो आखिरी अशरा है, इस अशरे की जो मेन खासियत है वो ये है कि अपने प्यारे आका सरवर कायनात मालिक मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में, इस लास्ट आखिरी अशरे में सारी ज़िंदगी एहतिकाफ में गुजारी है। मतलब लास्ट अशरे में जो लास्ट 10 दिन हैं वो मस्जिद में रहते थे, एहतिकाफ में रहते थे। और जो इसकी सही बुखारी की हदीस का मफहूम है 2026, नबी अकरम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी उन्होंने एहतिकाफ किया है इस लास्ट अशरे में। और आगे
नबी अकरम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है सही बुखारी की हदीस है 2033 के एक रमज़ान किसी वजह से नबी अकरम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एतकाफ़ में नहीं बैठ पाए थे, तो वो रमज़ान के अगले महीने में यानी शव्वाल के महीने में उन्होंने ये एतकाफ़ पूरा किया था। तो दोस्तों ये फजीलत है। तो आपसे गुजारिश है कि अभी पहला अशरा ख़त्म नहीं हुआ है, आप आखिरी अशरे की तैयारी कीजिए और उन 5 रातों का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। वो 5 रातें 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं हो सकता है उनमें से आप में से ही हम में से कोई खुश नसीब हो जिसे ये रात देखना नसीब हो जाए। तो दोस्तों आप इस रात का एहतरमार कीजिए और इस मुकद्दस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए, अपने घरों पर ही तरावी अदा कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, कसरत के साथ अस्तगफार कीजिए और अपनी नबी की सुन्नतों पर अमल कीजिए। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइंदा वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको राह मुस्तफ़ा पर चलने की तौफीक अता फरमाए और इस मुकद्दस और बरकतों वाले महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और अपने प्यारे आका नबी अकरम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलने की तौफीक दे, उनकी सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए। और दोस्तों इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कीजिए, अहले वतन के लिए दुआ कीजिए, सारी कौम के लिए, सारे लोगों के लिए, सारे इंसानों के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस बीमारी से हर इंसान को महफूज फरमाए और जल्द से जल्द इस बीमारी का खात्मा फरमाए और जो लोग इस बीमारी की जद में आ चुके हैं उन्हें जल्द से जल्द शिफाए कामिल अता फरमाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए आइंदा वीडियो तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।